साइबर ठगी के नए तरीकों से बचने के लिए रतलाम पुलिस साइबर सेल ने जारी किया वीडियो संदेश। जी हाँ, साइबर क्राइम सेल रतलाम टीम द्वारा आम लोगों को साइबर ठगी से नए नए तरीके के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से साइबर फ्रॉड के तरीके और उनसे बचने के उपाय के बारे में जानकारी वीडियो संदेश के माध्यम से जारी की है। वर्तमान में चल रहे मुख्य साइबर धोखाधड़ी के तरीके और उनसे बचाव के उपाय इस प्रकार है। किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो जाने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या अपने नजदीकी पुलिस थाने व साइबर सेल पर संपर्क करें। सर, मैं विपुल भावसार रतलाम साइबर सेल से। वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी में पैसा दुगुना तिगुना करने संबंधी एप्लीकेशन फ्रॉडस्टर द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं प्ले स्टोर पर अपलोड की गई है, जिसमें आम जन डॉलर में या फिर बिटकॉइन में पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनका पैसा दुगना तिगना होता हुआ भी दिखता है, लेकिन एक्चुअल में उस पेमेंट को वो विड्रॉल नहीं कर पाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। वर्तमान में MTFE एवं QTF जैसे एप्लीकेशन में कई लोग लाखों रुपए गवा चुके हैं, इसलिए आपको इस प्रकार के एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है एवं साइबर धोखाधड़ी होने पर नज़दीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में संपर्क करना है तथा 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवाना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विपुल भावसार रतलाम साइबर सेल से। एक नए तरह का फ्रॉड सामने आया है, जिसमें आपको फर्जी ईमेल या डाक के माध्यम से एक पत्र प्राप्त होता है इस प्रकार का, जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपके द्वारा इंटरनेट पर कोई आपत्तिजनक सामग्री सर्च की गई है, आप 24 घंटे के अंदर इस पत्र का उत्तर दें। और आमजन भयभीत होकर इस प्रकार के पत्र का उत्तर देते हैं और साइबर फ्रॉड और फ्रॉडस्टर के झांसे में पड़ जाते हैं। अतः इस प्रकार का ईमेल या पत्र डाक से प्राप्त होने पर आपको कोई उत्तर नहीं देना है। नमस्कार, मैं मयंक व्यास साइबर सेल रतलाम। वर्तमान में एक जॉब फ्रॉड चल रहा है, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर पार्ट टाइम जॉब के नाम पर टास्क दिए जाते हैं। शुरुआत में टास्क पूरा करने पर आपको कुछ प्रॉफिट भी दिया जाता है, बाद में फ्रॉडस्टर द्वारा आपसे लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। इस प्रकार के किसी भी प्रकार के फ्रॉड का शिकार न हो तथा पार्ट टाइम जॉब के नाम पर किसी के भी खाते में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन न करें। किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने पर नज़दीकी साइबर सेल या नज़दीकी पुलिस थाने पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं मयंक व्यास रतलाम साइबर सेल से। वर्तमान में हमारे सामने एक नया साइबर फ्रॉड आया है, जिसमें कोई व्यक्ति अनजान नंबर से आपको कॉल करता है और कहता है आपका बेटा या बेटी हमारी पुलिस की कस्टडी में है, उसने कोई बहुत ही जघन्य अपराध किया है जिस कारण से वो पुलिस की कस्टडी में है और उसको छोड़ने के बदले में आपसे पैसे की मांग करता है। इस प्रकार की घटना पर आप कोई प्रतिक्रिया न दें और किसी के भी खाते में कोई भी पैसा ट्रांसफर न करें। इस प्रकार की परिस्थिति सामने आने पर अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल से संपर्क करें। राज दुनिया की रिपोर्ट।